समाज में इंटरनेट के माध्यम से अवकस्य बच्चों में गलत संदेश जाने बाल यौन शोषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है। समस्याओं को आपसी सहमति के दुष्कर्म और जबरन दुष्कर्म के आदि मामलों में अलग अलग कानून बनाकर सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर बात रखी जाए। उक्त व्यक्तित्व समाधान अभियान और इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के तत्वाधान में चलाए जा रहे चुप्पी तोड़ हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूक करने वाली निर्देशिका सौम्या द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए। आहूत इस वार्ता में चुप्पी तोड़ हल्ला बोल के अंतर्गत सौम्या द्विवेदी ने बताया कि बाल यौन शोषण की समस्या इंटरनेट पर उपलब्ध है। अव्यवहारिक अमर्यादित सामग्री से दुष्कर्म होती जा रही है, जिसका समाज को बहुत अधिक गलत असर हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन अमर्यादित सामग्रियों को देखकर यौन शोषण की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आपसी सहमति और जबरन यौन दुष्कर्म के मामले में अलग अलग कानून बनाकर सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसमें वह एडवोकेसी शुरू करेंगी और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर बात रखेंगी। समाधान अभियान की ओर से सौम्या द्विवेदी, निदेशक समाधान अभियान वैभव श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर समाधान अभियान वी मृदुल अवस्थी, कोऑर्डिनेटर समाधान अभियान मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जी, आज क्या विषय था? आज हम बाल यौन शोषण से बचाव के लिए अभी तक जो कार्य कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए जो कदम उठाने जा रहे हैं उस पर चर्चा करने आए हैं। अभी तक हम बहुत माइक्रो लेवल पे, छोटे स्तर पे काम कर रहे थे, जिसमें हम केसेस पे काम करते थे और गांव-गांव जाके अवेयरनेस करते थे। पर जब हमने ये कार्य कर रहे थे हम, तो हमने ये अनुभव किया कि इसको, इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है और हमको इसकी रूट कॉज पे काम करना है कि ये इसकी जड़ क्या है, कहाँ से ये सब चीजें शुरू हो रही हैं। हमें ये लगा कि नेट पे जितना कंटेंट अवेलेबल है, जितना गलत कंटेंट अवेलेबल है, वो बच्चों तक, यूथ तक पहुंच रहा है और उसी की वजह से वो लोग इस तरह का क्राइम ऑफेंस कर रहे हैं। एक ये रीजन है, और उसके अलावा 80% पॉक्सो के केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे यानी लड़का और लड़की म्यूचुअल कंसेंट पे इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं और जो आगे चल के उनके लिए मुसीबत का कारण बनती है। हम इसके लिए एडवोकेसी करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करके और बकायदा एडवोकेट्स की मदद लेके हम चाहते हैं कि उनके लिए रूलिंग अलग कर दी जाए और जिन बच्चों के साथ बाई फोर सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं उनकी रूलिंग अलग की जाए। मैं मानती हूँ कि जो अपनी कंसर्न से जाते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके सजा का दायरा बदलना चाहिए। ये दो नई चीजें हम शुरू करने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ पुरानी जो चीजें हम लोग कर रहे थे, प्रिवेंशन और इंटरवेंशन, यानी गांव-गांव जाके कार्यशालाएं करना और बाल मित्र केंद्र स्थापित करना, वो कार्य हम पहले की तरह करते रहेंगे।